सरकारें आईं और सरकारें गईं। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं। हार्ट ऑफ दीज लॉज इज नॉट ओनली डेटरेंस ऑफ लॉ एंड पनिशमेंट बट ऑल्सो अ सेंस ऑफ रेफॉर्मेशन। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, जैसे कि नारायणी सेना इनके पाले में खड़ी है। कृष्ण तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जैसे, क्यों? क्योंकि वो सत्ता के मोह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मोह से त्रस्त है। अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी, एक बारिश हो गई तो पानी से त्रस्त हो गई। यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। हमारे तो राजा राम है, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम माँ भारती का नाम है। अध्यक्ष जी, सरकारें आईं और सरकारें गईं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा 25 करोड़ लोगों को मल्टीडिमेंशनल गरीबी की रेखा से उभार। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं और खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि आज का दिन 1 जुलाई हम वकीलों की फ्रेटर्निटी में उत्साह का माहौल लाने वाली है, क्योंकि 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। पहले के कानून ब्रिटिश राज की गुलामी की बेड़ियां थे जो हमारी न्याय प्रणाली को जकड़े हुए थे। पहली बार भारत में एक ऐसी दंड प्रणाली आ रही है जिसका ध्येय न्याय होगा। क्योंकि अध्यक्ष जी, जब कोई ऐसा कानून विलायती हुकूमत बनाती है तो उसका उद्देश्य न्याय नहीं होता, उसका उद्देश्य दमन होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पहली बार देश में भारतीय दंड प्रणाली आएगी जिसका ध्येय न्याय होगा, न्याय को प्राथमिकता देगी। और हमारे यहां कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये वो क्रिमिनल सिस्टम होगा लॉज का जो एक एक्सपीडियंसी लाएगी, एक तेजी लाएगी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कम्युनिटी पेनल्टी पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है एट द हार्ट ऑफ दीज लॉज is not only deterrence of law and punishment but also a sense of reformation. In sabhi transformative futuristic path breaking karanon ke karan hi bharat ne nda ki sarkar ko teesri bar pura brahmat diya hai. Par adhyaksh ji, vipakshi gathbandhan aisa pradarshit karta hai jaise ki narayani sena inke paale mein khadi hai. पर अध्यक्ष जी, इतना जरूर कहूंगी, कृष्ण तो कर्म के कायल हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जैसे कर्मयोगी पर पुनः बरसा है। विपक्ष चाहे ये दिखाने का प्रयास करे कि स्वयं अक्षौहिणी सेना उनके पास है। अध्यक्ष जी, बहुत चौंकाने वाली बात है कि वो विपक्ष जिसने आपातकाल लगाने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसने भारत के संविधान को गला घोटने का अधर्म करा, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का अधर्म करा, वो विपक्ष जिसके गठबंधन के सदस्य आज भी दिल्ली में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि वो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के मोह में मदमस्त हैं और दिल्ली उनके इस मोह से त्रस्त है। अध्यक्ष जी, बड़ी अजीब बात है, दिल्ली आज पानी के लिए तरस रही थी, एक बारिश हो गई तो पानी से त्रस्त हो गई। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी गठबंधन में या आम आदमी पार्टी में एक आपातकाल और एक अकाल पड़ा हुआ है कॉम्पिटेंस का और टैलेंट का, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी
मुख्यमंत्री की सीट को जकड़ कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा विपक्ष जो पॉलिसी पैरालिसिस का अधर्म करता है, जो लैक ऑफ गवर्नेंस का अधर्म करता है, वो धर्म की बात कर कर इस सदन में कैसे आड़े आ सकता है जब ये सदन इमरजेंसी की रेजोल्यूशन पास करना चाहता है, इमरजेंसी का खंडन करते हुए। अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है। महाभारत में युधिष्ठिर को जब अकर्मण्यता ग्रसित कर गई तो वो पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को सुशासन के कई सूत्र दिए, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत्र था, यतो धर्मस्य ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। अध्यक्ष जी, धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है। लोकतंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है। 6 दशक में तीसरी बार लोकतंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रतिनिधि का परिचय करवा रहे थे, और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा। अध्यक्ष जी, ये विपक्ष की राजसी मानसिकता को परिलक्षित करता है। अध्यक्ष जी, हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा परमो धर्मो वाले, राष्ट्र सर्वोपरि वाले हैं। हम तो, हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम माँ भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वर्क एथिक के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी एनडीए की यह सरकार, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ कि ये सदन एकजुट होकर उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इस धन्यवाद पर 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।